जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ, क्या आप उसमें शामिल होंगे? क्योंकि एक महागठबंधन की बात की जा रही है। मेरे को किसी भी, मैं गठबंधन की राजनीति, फलानी राजनीति, मेरा मेरी सीधी राजनीति जनता की राजनीति है, जनता के विकास की राजनीति है, जनता के हितों की राजनीति है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम सरकार चला रहे हैं, हम 24 घंटे यही सोचते हैं कि हम जनता के लिए और क्या काम कर सकते हैं। जो पिछले 3 साल में मेरा सरकार चलाने का अनुभव है, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर हम लोगों ने 3 साल के अंदर इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतने काम कर दिए, तो ये पार्टियां 70-70 साल में क्यों नहीं कर पाई, इसका फ्रैक्शन भी नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार है, हरियाणा में 4 साल से है, गुजरात में तो मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए इनको। वहां पे स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए। 20-20, 25-25 साल तक सरकार चलाने के बाद अगर ये अस्पताल और स्कूल ठीक नहीं कर पाए, तो या तो इनको करने नहीं आते और या ये करना नहीं चाहते, दोनों में से एक ही बात है। तो हम इस पूरे इस किस्म की राजनीति की बजाय हम सीधे जनता की राजनीति सोचते हैं। अभी हमारे 24 घंटे हम यही दो, एक तो पूरी दिल्ली में अब सीसीटीवी कैमरे लगाने का चलने वाला है, कल कैबिनेट है हमारी, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने वाला है, और उसके बाद हर स्कूल की हर क्लास में हम सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले हैं सरकारी स्कूलों के, और जो पेरेंट्स होंगे उनके फ़ोन पे हम पासवर्ड दे देंगे, तो आप अपनी अपने बच्चे की क्लास लाइव देख सकते हो कि मेरे बच्चे की क्लास में अभी क्या चल रहा है। इससे बड़ी वो, इससे जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ेगा। और तीसरा, एक अभी हम स्कीम बनाई है कि जितनी भी सरकारी भी जितने भी लोगों को सरकार में काम कराने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, आप SDM के दफ्तर चले जाओ, राशन कार्ड बनाने चले जाओ और लाइसेंस बनवाने चले जाओ, अब हम ये सब खत्म कर रहे हैं। हम एक फ़ोन नंबर, एक महीने के अंदर ये टेंडर वेंडर हो गए हैं, वो आने वाला है, एक महीने में एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा दिल्ली के लोगों को, बस एक ही फ़ोन नंबर होगा। आपको दिल्ली सरकार से कोई काम कराना है, उस पर फ़ोन कर दो, उधर से वो आपसे पूछेंगे जी हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए, कितने बजे फ्री हो। आप कहो जी मैं रात को 8 बजे फ्री हूँ, मैं तो लेट आता हूँ दफ्तर से, रात को 8 बजे दिल्ली सरकार से कोई आदमी आपके घर आएगा और अपनी मशीन लेके आएगा, फोटोकॉपिंग, एक स्कैनिंग मशीन लेके आएगा और एक वो बायोमेट्रिक मशीन लेके आएगा, आपका वहीं पे सारे कागजों की स्कैनिंग कर लेगा, आपको सारे कागज वापस कर देगा, एक रसीद दे देगा, एक हफ्ते के अंदर आपका सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपके घर पोस्ट से पहुंच जाएगा। आपको किसी को, दलाल को, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपके घर आके सरकार आपके काम करती जाएगी। तो हमारे इसमें जी लगभग शुरुआत में 100 सेवाएं हैं, 100 इसमें, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इस किस्म के कई सारे सर्टिफिकेट, SDM के दफ्तर में 21 किस्म के सर्टिफिकेट बनते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपको गाड़ी की ओनरशिप चेंज करानी है, आपको कई सारे इस तरह के होते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो अभी 100 सेवाओं से शुरू हो रहा है और बंद करते करते आखिर में 150 तक सेवाएं इसके अंदर लाने का विचार है। उसी तरह से राशन है, राशन की दुकानें हम बंद कर देंगे, हर राशन वाले के घर में पैकेट बोरी पैक कर देंगे और उसके घर में सरकार सीधे राशन पहुँचा दिया करेगी, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी राजनीति है जी, हमारी कोई गठबंधन की राजनीति, हमारी सीधी जनता की राजनीति है। बहुत क्लियर है जी, ये मेरे को गलत कोट किया जा रहा है, मैंने हमेशा ये, मेरा ये मानना है कि दोनों राज्यों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय कौन करेगा? न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो लागू होगा। अभी तक इन सारी पार्टियों ने SYL के मुद्दे पे केवल और केवल राजनीति करी है, हम राजनीति नहीं करना चाहते। अभी जब पंजाब के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने मैनिफेस्टो जारी करा था, उस मैनिफेस्टो में लिखा था हम SYL का पानी बिल्कुल नहीं देंगे हरियाणा को, और उसको रिलीज कौन करके आया था, कौन करके आया था? सुरजेवाला। और यहाँ आके वो कुछ और बोलते हैं। तो दो ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो भाईचारे से कर लो और या कोर्ट से कर लो, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो भाईचारे से करते तो यहाँ इनकी BJP की सरकार थी, वहाँ अकाली BJP की सरकार थी, केंद्र में BJP की सरकार थी, एक टाइम ऐसा भी था जहाँ तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं करा इन्होंने भाईचारे से?
तो इनका मकसद भाईचारे से समाधान करना नहीं है, इस मुद्दे को जीवित रखना है अपनी गंदी राजनीति के लिए।